पनीर है, देन प्याज, एक बड़ा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, हाफ एंड हाफ शिमला मिर्च, स्लाइसेस ऑफ चीज़, और जितने में लोगों को बनानी होती है। मैं सैंडविच बना रही हूँ, पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो मैंने फूड लोगों को बनाया, तो 4 पीस एंड टमाटो सॉस। हम भी इसको पिज़्ज़ा सॉस में कन्वर्ट करेंगे। ये टमाटो सॉस है और हम इसमें जीरा, गोल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, देन मिक्स करें। हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। हम लोग इसे सॉस, पिज़्ज़ा सॉस को जो लोग भी बनाए हैं उसको अच्छे से लगा देंगे, वेल स्प्रेड करेंगे पहले। हम लोग इसको हाई फ्लेम पे करेंगे। देखिए हाई फ्लेम से इसको सरसों का तेल डालेंगे, इतना हिस्सा, हाफ टेबल स्पून धीमा कर देंगे, तेल में हो गया। हम इसमें पहले शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हम लोग मिक्स करेंगे। मैं इसको हल्का ही, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का ही का इसी करेंगे पकाना है। इसको सॉफ्ट हल्का सा करना है ताकि हम लोग की ब्रेड में कच्चा कच्चा से ना हो जाए। वैसे ही हमें ये फ्राई करना है हल्का, देन हमें मसाला डालेंगे। चीनी, चीनी डालने के लिए स्वाद अनुसार जीरा पाउडर, थोड़ा सा नून मिर्च पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा दूध, ये चाशनी कर लेंगे एंड बिल्कुल उससे भी कम हम लोग हल्दी डालेंगे, देन हम लोग मिक्स करेंगे। हम लोग लो फ्लेम किए हुए हैं, लो फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम है, अच्छे से थोड़ा सोटी होने देंगे, मतलब कि थोड़ा सा मैं उसे पका देंगे ताकि जो हम लोग वेस्टेज है वो पक जाए। मैंने बता चुका है, दोबारा बता रही हूँ। हम लोग का थोड़ा सा और समय पकाएंगे, लेकिन जो मैं पनीर था वो सिक गया है अच्छे। देखिए इंग्रेडिएंट, मैं लास्ट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक,
करके इसे बंद कर देंगे क्योंकि हमारा गर्दिश हो गया है, नहीं तो इसलिए मेरे लास्ट में जा रहे हैं, नहीं तो ये पानी छोड़ेगा तो हम लोग का अच्छा नहीं बनेगा। पानी पानी जाएगा ये हम लोग का गर्दिश हो गया है। देन हम लोग गैस ऑफ करेंगे, हम लोग इसे गैस के ऊपर जो हमारा गर्दिश हो गया हम लोग इसको गर्म ही तो गरम ही इसमें डाल देंगे, अच्छे से डाल देंगे। ये हमने सब में भर लिया अच्छे से। देन हम लोग ये जो चीज़ वाला था इसमें हम अच्छे से दबा देंगे। ये हमारा घी है, देसी घी है, तो हम लोग इसमें इसे इस तरह निकाल के अपने ब्रेड पे ऐसे हल करके हाथों से सब पे अच्छे से लगाएंगे। हम लोग दोनों तरफ नहीं लगाएंगे, पहले तवा पर रख देंगे, तब तक हम लोग एक ही तरफ लगाते हैं। बिल्कुल अच्छे से हम लोग लगा दिए एक पे भी, ये हमने अच्छे से सब पे घी लगा दिया। गैस पे पकाएंगे। देखिए हम लोग इसको तेज पहले करेंगे कि हम लोग को थोड़ा सा हीट हो जाए, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। इधर घी लगा हुआ है, देखिए हम लोग को इधर घी लगाना है। देखिए सेकेंड वाला को भी देखिए ऐसे हमें पकड़ना है ताकि ये आराम से इसे खा जाए। अब हम लोग इसे कर देंगे और ये हम लोग इस साइड घी लगा देते हैं। ये मेरा थोड़ा सा टूट गया है ब्रेड, कोई बात नहीं तो होता होता रहता है, तो ये फ्रेश ब्रेड है इस वजह से थोड़ा टूट जा रहा है। हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसमें घी लगा रहे हैं। और इसमें स्पाइस लेवल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उनको स्पाइस लेवल थोड़ा कम चाहिए, और मैंने भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है। देखते हैं क्या होता है। हम लोग अच्छे से घी लगा चुके हैं, हमारा ब्रेड एक साइड से सिक गया है, तो अच्छे से ऐसे देखिए अच्छे से हमारा ब्रेड सिका। देन हम इसको करेंगे, कितने अच्छे से सीख गया है देखिए एकदम पार, कितनी क्रंची हुई है ठीक है, ये कितनी क्रंची है। ये देखिए चीज़ चीज़ भी हमारा मेल्ट हो गया है, तो इसमें बता देती हूँ ये हमारा दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी हो गया है। इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा और मिला है एक साइड से और हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये भी क्रंची हो गया है, बट हम लोग को इस तरह का होगा ना तो क्रिस्पी आएगा। ये हम अब पेन में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा क्रिस्पी सा पिज़्ज़ा सैंडविच तैयार है। अब हम लोग ये हमारा थमके तैयार है, ये देखिए फुल्ली लोडेड। देन एंजॉय।